हाय दोस्तों, आई एम मनीष मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी प्लांट किंगडम को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको बताएं, इसके पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एनिमल किंगडम। तो जैसे हमने एनिमल किंगडम को किया था, एनिमल किंगडम जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को देखते हुए साइंटिस्ट ने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर, उनके वेरिएशंस को देखते हुए। जिन ऑर्गेनिजम्स में जैसे सिमिलरिटीज थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, बॉडी डिविजन को देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए मैंने बताया था, उसको डिस्क्राइब वहाँ पर किया था। मैंने आपको बताया था कि जो इनका किंगडम एनिमेलिया का जो सबसे फर्स्ट डिवीजन का क्राइटेरिया था या टैक्सा था, उसको हम क्या कहते थे, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया को हम फाइलम कहते थे। क्या कहते थे? फाइलम कहते थे। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की या मैमल्स की, तो जितने भी मैमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, इन सभी को साइंटिस्ट ने कहाँ पर रखा था? इस एनिमल किंगडम के डिवीजन को उठा करके कार्डेटा में रख दिया। कार्डेटा में इसलिए रखा था क्योंकि जहां पर कार्ड डेवलप्ड फॉर्म में पाई जाती थी, जहां पर नोटो कार्ड डेवलप्ड फॉर्म में थी, उन सभी को साइंटिस्ट ने कार्डेटा कहा और उन सब को उठा करके उनने कार्डेट्स वाले डिवीजन में रख दिया। चीजें ये आपको यहां तक क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब हम जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, सेम तरीका यही होता है, कुछ भी अलग नहीं है। प्लांट किंगडम में भी हम देखेंगे कि चीज़ों को अलग अलग सिमिलरिटीज के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। बस ये था कि हम एनिमल किंगडम में ढेर सारी डिविजन देखने को पाते थे, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हमने देखा था कि उनको क्रम वाइज अलग अलग डिवाइड करके रखा था, जैसे कि पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा से लेंटेटा टीनोफ्लोरा से लेकर के और कार्डेटा तक, हम कैसा बॉडी सिमेट्री कहाँ पर है, कैसा बॉडी डिविजन है, कैसी एलिमेंट्री कैनाल है, कैसा उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ों को देखे थे। वैसे आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एनिमल किंगडम से इसलिए मैंने कनेक्ट किया क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए जो क्लियर नहीं है। आइए चलते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट किंगडम, तो जब हम बच्चों प्लांट किंगडम करना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान देंगे पहले हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये पढ़ना है कि ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्लांट किंगडम में कितने टाइप का आया और किस किस साइंटिस्ट ने किया, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे, वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन का। कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन का। दूसरा टॉपिक हम यहाँ से जो कवर करते हैं वो हम टाइप्स ऑफ डिवीजन कितने प्लांट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिवीजन कितना हुआ। तो मेनली जो क्वेश्चंस आपके जहां से एराइज होते हैं वो, तो प्लांट्स को हमने डिवाइड किया है एल्गी में, एल्गी फिर कहां से, इसको हम कह लेते हैं एक बड़ा टॉपिक बना लेते हैं प्लांट डिवीजन। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट का डिवीजन ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब मेरी ये है, पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट वाला क्लासिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा टॉपिक आपका ये होना चाहिए प्लांट का डिवीजन। इस वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी जरूरी है, क्योंकि हम ये चीज़ें जानेंगे तो ही हम इनको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। टॉपिक पहले हमें जानना है क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं और एनसीईआरटी क्या कहती है, तीन चीज़ें जानेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्लासिफिकेशन का तीन टॉपिक इसमें है। तीन टॉपिक में फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिस्टम, ये आपका है आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है इसको कहा जाता है, दूसरे क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और थर्ड आपका जो था, थर्ड क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आया, उसको आप कहते हैं आपका ये थर्ड था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन में हमें ये तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तीनों के क्या क्या आधार थे, क्या क्या बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है साइंटिस्ट ने,
ये पढ़ना है। इन तीनों क्लासिफिकेशन को किसने किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, किसने किसने दिया था, ये चीजें हमें जानना है, और उन्होंने अपने क्राइटेरिया में क्या क्या शामिल किया था। बस एनसीईआरटी इतना ही लिखती है इस वाले पूरे पॉइंट में, हमको इसमें इतना ही कवर करना है। अगला पॉइंट हमारा है प्लांट डिवीजन का। प्लांट डिवीजन में प्लांट्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इनको डिवीजन करने का जो क्राइटेरिया था, हम कहें तो उनको चाहे कह लीजिए कि आप सीड के बेस पर कर लें या वैस्कुलर कैम्बियम के बेस पर, हम कह लें कि कहाँ पर वैस्कुलर बंडल डेवलप फॉर्म में पाए गए, कहाँ पर नहीं पाए गए, कहाँ पर ओपन टाइप के थे, कहाँ पर क्लोज टाइप के थे, कह लीजिए कि कहाँ पर सीड डेवलप पाया गया, कहाँ पर सीड नहीं पाए गए, तो सीडेड प्लांट कुछ कहते हैं, कुछ नॉन सीडेड प्लांट कहलाते हैं, ये चीज़ें भी हमें यहाँ से कवर करनी है। अब हम आपको बताएं यहाँ पर हमको पढ़ना क्या क्या होता है, हमको पढ़ना है प्लांट्स किंगडम में एल्गी, और क्या पढ़ना है आपको प्लांट के आगे, एल्गी के आगे, दूसरा डेवलपमेंट के क्रम में हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के क्रम में, तो हमको ब्रायो आएगा, ब्रायो के बाद फिर हमारा टेरिडो आता है, क्या आता है टेरिडो आता है, टेरिडो के बाद हमारा जिम्नो आता है बच्चों, जिम्नो आता है, जिम्नो के बाद हमारा आता है एनजियो, एनजियो ध्यान देंगे। ये इतने टॉपिक्स हमको यहाँ से कवर करने हैं प्लांट डिवीजन से। अब हमको ये जानना है कि एल्गी क्या है, ब्रायो क्या है, टेरिडो क्या है, जिम्नो क्या है और एनजियो क्या है। तो आपको कुछ चीज़ें तो हम बता ही देते हैं। पहले एल्गी आपका, ये एल्गी और ब्रायो ये जो आपके हैं ये थैलोइड स्ट्रक्चर है। कैसा है? थैलोइड स्ट्रक्चर है एल्गी और ब्रायो, ये थैलोइड स्ट्रक्चर है, मतलब इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो थैलस के फॉर्म में पाया जाता है। व्हाट इज थैलस? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से राइज होना चाहिए कि थैलस फिर है क्या। तो थैलस को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स, ऐसा पौधे का शरीर जिसे हम जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं कर पाते या विभाजित नहीं कर पाते, दैट्स कॉल्ड थैलस। उसको हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और थैलोइड बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? प्लांट डिवीजन के इस दो क्रम में आपको देखने को मिलेगा, एल्गी और बायोफाइटा। इसमें आप ना तो किसी भी पार्ट को देख करके अलग कर पाएंगे, डिटेच नहीं कर सकते हैं कि ये सब इसका प्लांट है, ये स्टेम है, इसका रूट है, इसका लीफ है। आगे पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा से लेकर के यहाँ पर आप प्लांट बॉडी है डेवलप, यहाँ से वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिलने लगेगा। आपको देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एनजियो, एनजियो में फाइनली आपको डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल, और जिम्नोस्पर्म में भी आपको वैस्कुलर बंडल के डेवलपमेंट दिखाई देंगे। सीड की बात करें तो ये आपके सीडेड प्लांट्स हैं, ये आपके सीडेड प्लांट हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में सीड तो पाया जाता है, बट सीड के ऊपर कोई भी सीड कोट नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, और आगे आगे आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है ये डेवलप्ड वैस्कुलर प्लांट है, जैसे कि इसमें आपका कोई सा भी प्लांट जो आप देखते हैं बड़े भारी भरकम प्लांट्स, वो सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जहाँ पर वैस्कुलर बंडल डेवलप फॉर्म में पाया जाता है। हम इस सब में डिटेल स्टडी करेंगे, इस सब के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं और देखेंगे भी, डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हम जो लेंगे वो टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन का। आज की टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्लासिफिकेशन और इस वाली टॉपिक को कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों जब हम क्लासिफिकेशन का पॉइंट लेते हैं तो पहला पॉइंट हमारे ध्यान में आना चाहिए, हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब प्लांट क्लासिफिकेशन की तो इस क्रम में सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझ में आना चाहिए। प्लांट क्लासिफिकेशन में मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि इसमें तीन सिस्टम आए, तीन सिस्टम को आप आउटलाइन बनाइए, आप जल्दी सीख पाएंगे। पहला आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या है आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, और तीसरा आपका है फाइलोजेनेटिक। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्लियर कर लेंगे, हमें क्लासिफिकेशन का पॉइंट कब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछा जाता है ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने का काम किस साइंटिस्ट ने किया, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का काम प्लांट्स में किसने किया। तो एक साइंटिस्ट था, प्लांट को क्लासिफाई कर रहा था, जिसका नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा, कई बार सुना है, जिनका नाम आप कहते हो बड़े सम्मान से लेते हो, लीनियस साहब।
लीनियस साहब, और इनके साथ भी एक साइंटिस्ट जुड़े थे, अरिस्टोटल साहब भी थे। अरिस्टोटल आप पापा आप बायोलॉजी कहते हैं इनको, फादर आप बायोलॉजी, अरिस्टोटल साहब भी थे। किनके साथ जुड़े थे? लीनियस के साथ। दोनों ने जुड़ करके क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का, और इनका जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो क्लासिफिकेशन कंप्लीटली बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ प्लांट्स पर। कहने का मतलब ये है कि प्लांट के फ्लावर्स के कलर को देख करके, प्लांट की लीव्स को देख करके, प्लांट के स्टेम को देख करके, उसके रूट को देख करके ये लोग जज कर देते थे कि हाँ ये इनको इस ग्रुप में रख दिया जाए, इनका डिवीजन ऐसा कर दिया जाए, इनको ऐसा कर दिया जाए। कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख करके, फ्लोरल के कैरेक्टर्स में जैसे नंबर ऑफ स्टेमन को इन्होंने देखा था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में लीनियस साहब ने किसको बेस माना था, सबसे पहले क्या बेस रखा था। तो इनका जो स्टडी का जो है टाइप था, उस स्टडी टाइप में इनका जो कैरेक्टर था वो क्या था, ये स्टेमन को गिनते थे, नंबर ऑफ स्टेमन। नंबर ऑफ स्टेमन अगर दो दिखता था तो इनको डाइडेल्फस कह देते थे, डाइडेल्फी प्लांट कह देते थे, डाइडेल्फी डिवीजन कह देते थे। नंबर ऑफ तीन दिखता था स्टेमन तो ट्राइडेल्फस कह देते थे, टेट्राइडेल्फस कह देते थे। कहने का मतलब इन द सेंस मेरी ये है कि ये कैरोलस लीनियस साहब और अरस्तु साहब, इन दोनों ने प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, उनके रंग रूप को देख करके उनका डिवीजन बता दिया करते थे। और ये जो टाइप्स ऑफ डिवीजन था ये 100% डिस्कार्ड कर दिया गया, इनकी थ्योरी को बिल्कुल बिल्कुल काट दिया गया, और काट देने योग्य भी था। इसलिए बेटा कि आप जानते हैं ध्यान देंगे क्यों काट देने योग्य था। किसी भी इंसान के बारे में आपको कह दिया जाए कि आप जज करिए, तो आप कैसे जज कर लेंगे उसको? केवल बस दूर से देख लेंगे कि हाँ बड़ा सुंदर दिख रहा है, तब उसके बारे में लिख देंगे ये बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है। हर हैंडसम इंसान अच्छा नहीं हो सकता, उसका संपूर्ण क्लासिफिकेशन या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप कैसे कह सकते हैं कि दूर से ही देख करके आप उसको कैसे बता पाए? उसके कुछ और भी करेक्टर्स लीजिए ना कि हाँ ये पढ़ा लिखा भी है, कुछ पढ़ता लिखता भी है, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या इसके जो है हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम कंडीशन इन्होंने किसी को ध्यान में नहीं रखा, बस केवल उसकी शक्ल को देख करके प्लांट्स को डिसाइड कर दिया कि इन सब के ग्रुप अलग अलग हैं, ये इस शक्ल के दिखते हैं तो सब एक ही घर के हैं, सबको एक ही तरह से रख दिया। इनका तरीका गलत था। बाद में एक साइंटिस्ट थे, इनके पड़ोसी ही थे, जिनका नाम था क्या, बेंथम और हुकर। क्या नाम था? बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर। ध्यान उसमें भी बेंथम एंड हुकर साहब, बेंथम एंड हुकर साहब को देख करके बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा अरे भैया लीनियस आप तो कंप्लीटली गलत हो। का क्यों गलत है? का इसलिए गलत हो क्योंकि आपने तो केवल मॉर्फोलॉजी को देख करके ही प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, उनको एक एक ग्रुप में रख दिया, एक साथ सबको रख दिया, जबकि प्लांट्स की हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी कुछ प्लांट्स की एक जैसे ही दिखती हो, लेकिन उनमें कुछ और करेक्टर डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि उनके साइटोलॉजिकल करेक्टर, उनकी कोशिकाओं का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि उनमें क्या कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री अलग, प्लांट्स की कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस रखती हों, हो सकता है कि उनके एनाटॉमिकल लक्षण भी अलग हो अंदर से देखने में। जब उनकी स्टडी हम करते हैं तो उनके वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह की बात कर ले तो, या लीव्स की बात कर ले, लीव एनाटॉमी की बात कर ले, तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने इन सब कुछ चीज़ों को समाहित ही नहीं किया, तो इसलिए आपका तो भैया क्राइटेरिया गलत है, आपको गलत मानते हैं, आप गलत हैं। किन्होंने कहा? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, बेंथम हुकर साहब ने इस थियोरी को डिस्कार्ड कर दिया और अपनी एक थियोरी दी जिसका नाम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें बेंथम और हुकर साहब ने ये बताया, कहा कि भैया ऐसा नहीं है, सबको समाहित करो। किसको किसको समाहित करो? कहा इन्होंने मॉर्फोलॉजी को आप रखो, मॉर्फोलॉजी को रखो, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी को भी रखो, एनाटॉमी को रखो, एनाटॉमी के बाद और किसको रखो, इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री को भी शामिल करो, फाइटोकेमिस्ट्री को भी शामिल करो, और किसको रखो, साइटोलॉजी को भी शामिल करो, साइटोलॉजी को भी शामिल करो। कहा ये सब चीजें भी आपको रखनी पड़ेंगी, तब जाकर के किसी प्लांट को आप डिवीजन कर सकते हो, किसी का डिवीजन कर सकते हो, एक ग्रुप में किसी को रख सकते हो। खैर इन्होंने भी सारी चीजों को तो शामिल किया, लेकिन कुछ चीजें इनसे भी छूट गई, जैसे कि प्लांट्स को डिवीजन करने के लिए अभी भी कुछ प्लांट्स थे जिनमें ये सारी चीजें तो मिलती थी, बट फिर भी वो डिफरेंसेस रखते थे, कुछ भिन्नताएं थी, उनको एक समूह में साथ नहीं रखा जा सकता था। उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन हचिंसन और तख्ताजन साहब। तख्ताजन साहब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम क्योंकि तख्ताजन साहब ने अपना एक परचम लहरा दिया है क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम की,
इन्होंने क्या किया, तख्ताजन साहब ने कहा कि भैया आप सारे लोग ने सब कुछ ठीक किया है, गंता मुखर साहब आप सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या कहा, क्या गलती कर दी? कहा गलती यह कर दिया आपने कि आपने इवोल्यूशन को तो ऐड ही नहीं किया, इवोल्यूशन को तो आपने ऐड ही नहीं किया। कहा इवोल्यूशन? कहा हाँ, इवोल्यूशन को आपने इसलिए नहीं ऐड किया, आप करना चाहिए था कि भैया हम और हमारा अस्तित्व कहाँ से है, हमारा अस्तित्व कहाँ से है, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे एंसेस्टर कौन थे, इस चीज को तो आपने बताया ही कि हमारे पूर्वज कौन थे, और जब तक हमारे पूर्वज की पहचान नहीं होगी तब तक हमारी असली पहचान कहाँ से हो सकती है। इस बात को बताने का काम किसने किया? तख्ताजन साहब ने और जॉन हचिंसन साहब ने। तो ये जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताया हमारे एंसेस्टर से हमारे बीच का, ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ट डिफाइन करेक्टर था, मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमको एक स्पेशल डिवीजन देता था, और ये काम बताने का काम किया था जॉन हचिंसन साहब ने और तख्ताजन साहब ने। तो इवोल्यूशन टर्म सबसे पहले तख्ताजन साहब ने दिया था, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है इवोल्यूशन रिलेशनशिप वाला कि किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट जो था तख्ताजन साहब का है, ठीक है ना। हमको ये चीजें जानते रहना है, तीनों क्लास यहाँ से बस हमको तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन से चार पांच क्वेश्चन घुमा सकते हैं, घुमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये आपके कौन से साइंटिस्ट थे? कैरोलस लियस साहब और अरस्तु साहब। दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम हुकर साहब ने दिया था। तीसरा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बच्चों? तो आप कह सकते हैं कि ये तख्ताजन और तख्ताजन साहब, यहां लिख देता हूं, तख्ताजन साहब एंड हचिंसन साहब, इनके साथ हचिंसन साहब, इन दोनों लोगों ने मिलकर के फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब आपको इतना इसमें जानते रहना है, कैरोलस लिनियस साहब ने क्या बताया था? तो इनका जो स्ट्रक्चर था, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, ये केवल और केवल मॉर्फोलॉजी था, और इनका जो क्राइटेरिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का था, वो क्या था? इसमें मॉर्फोलॉजी भी था, एनाटॉमी भी था, फाइटोकेमिस्ट्री भी था, साइटोलॉजी भी था। छूट क्या गया था? फाइलोजेनी, मतलब छूट गया था इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन को ऐड कर दिया सारी चीजों के साथ साथ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तख्ताजन और हचिंसन साहब ने, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो करेक्टर है या सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब मोर एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन आर, तो आप जानते रहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज हैज बीन गिवन बाय तख्ताजन एंड हचिंसन साहब। तख्ताजन साहब गिव एन स्टेटमेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन आवर एंसेस्टर्स, ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल सिस्टम हैज बीन गिवन बाय सर कैरोलस लिनियस एंड अरिस्टोटल, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय सर बेंथम हुकर एंड बेंथम एंड जॉन हुकर, ये चीजें आपको यहां से जानते चाहिए। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फाइटोकेमिस्ट्री एंड साइटोलॉजी, व्हाइल एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय तख्ताजन एंड हचिंसन एंड इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, कंप्लीट। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। ये टॉपिक अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो सेकेंड टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं, सवालों को पढ़ेंगे, एलगी को पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी, फिर मिलेंगे।